हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात मध्य प्रदेश के सियासी संकट की। बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने दिग्विजय सिंह आज सुबह तड़के 6 बजे पहुंच गए थे। बेंगलुरु पुलिस ने बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ हिरासत में दिग्विजय सिंह को भी लिया। और इस बीच दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है, हिरासत में जाने से पहले दिग्विजय सिंह ने दावा किया, मैं भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं, बिना बागी विधायकों से मिले वापस नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो बैक अंटिल आई मेट देम, आई एम ऑन अ हंगर स्ट्राइक नाउ। पुलिस से पूछिए, मुझे क्या मालूम, पुलिस यहाँ ले जाके चले जाएंगे। मैं तो सत्याग्रह कर रहा हूँ, भूख हड़ताल करूंगा, मुझे मिलने दिया जाए। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया मुझे मालूम भी नहीं है। सर आपके ऊपर कोई सेक्शन लगाए हैं यहाँ पे? मुझे जानकारी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि मैं आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ। अफकोर्स आई वॉन्ट टू मीट माई एमएलए। पार्डन, यस यस। बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर सरकार बचाने की कोशिश है, आपके कैंडिडेट्स को मिलने की कोशिश है? सरकार भी बचाएंगे आपके वोटर्स को और हमारे एमएलए स्वयं को हम वापस लाएंगे। तो सुन रहे थे आप दिग्विजय सिंह को, जिन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो भूख हड़ताल करेंगे, बिना बागी विधायकों से मिले वो वापस नहीं लौटेंगे। हम सीधे आपको लिए चलते हैं बीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित, इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं। पिंकी, ये सियासी ड्रामा बढ़ता जा रहा है बेंगलुरु में तो? बिल्कुल रुमाना, ये जो सियासी ड्रामा आज सुबह शुरू हुआ था, जैसे दिग्विजय सिंह बाकी 8 मंत्रियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और जिस तरह से उन्हें रिसोर्ट में नहीं जाने दिया गया, इस वक्त वे अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन में मौजूद थे जहाँ पर उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया था। और अब उन सभी लोगों को जिसमें कर्नाटका के कांग्रेस के नेता डी के शिव कुमार और रिजवान अरशद भी मौजूद है, उन्हें अब बताया जा रहा है कि कमिश्नर ऑफिस ले जाया गया है जहाँ पर वे अपनी प्रिवेंटिव कस्टडी को लेकर जो कंप्लेन है वो दाखिल कर सकते हैं। लेकिन लगातार ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो बढ़ रहा है। अभी अभी दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज से ये साफ कहा है कि वे सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जब तक वे अपने विधायकों से नहीं मिलते तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि एक ओर जहां वे अपने वोटर से मिलने गए हैं, साथ ही दूसरी ओर वो ये भी बता रहे हैं कि सरकार को भी वे बचाएंगे। साफ तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले ही वे आज सुबह यहां पर पहुंचे हैं, ये सीधे तौर पर लग रहा है कि अब ये ड्रामा इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला जब तक ये विधायकों से नहीं मिल लेते। ठीक है पिंकी, पिंकी आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। अच्छा, साथ ही आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं भोपाल में राजभवन के बाहर, ब्रजेश राजपूत लगातार मौजूद है और अंकित गुप्ता को आप देख सकते हैं, अंकित गुप्ता मौजूद है उस जगह पर जहां पर बीजेपी ने अपने विधायकों को रखा हुआ है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।